मजा आ गया। गरम गरम देखिए क्या सब बन रहा है आज। तो तेल इतना कम क्यों है, सूख ले रहे थे सारा। ये चटका ऐसे ही बनता है, कम कम तेल। तो ये बनता है चना और लाल मसूर का, लाल मसूर चटका कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आराम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय पी रही हूँ अभी, अपनी ब्लैक टी। और अभी घर में किचन में लगी हुई है तनू, और बेटा चला गया ऑफिस क्योंकि बैंक तो टाइम पे ही खुलता है, तो 8:15 में निकल जाता है। और अभी उसके बाद फिर पतिदेव जी जाएंगे, 1 घंटे तक करीब निकलेंगे। तो तनु अपना बाकी का काम निपटा रही है, बिस्तर वगैरह ठीक कर रही है, और यही जो सुबह सुबह होता है। अभी आजकल तो सारे काम मेरे कारण सारे काम करने होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलता है। अभी पतिदेव जी को जाने में थोड़ा टाइम है, तो उनका नाश्ता मैं तब तक बिस्तर वगैरह समेट लेती हैं, और बाकी जो काम होते हैं धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। फिर मेरी भी नाश्ता का टाइम हो जाता है, मेडिसिन का टाइम हो जाता है, तो जब एक हाथ से करना हो तो उसी अनुसार करना पड़ता है ना। और देखिए पतिदेव जी पपीता मेरे लिए छील रहे हैं, बस ये काम है उनका, वो पपीता मेरे लिए काट देते हैं, इतनी हेल्प हो जाती है तनु को। और इधर आ गई हैं, इधर मेड भी आ गई हैं, अपना हेल्पिंग हैंड जो है हमारी वो काम कर रही हैं, बर्तन वगैरह साफ कर रही हैं। और फिर तनु भी नहा वहा के रेडी हो गई हैं, और मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, जो झलक दिखला जा रहा है वो देख के टाइम पास कर रही हूँ, यही करते रहती हूँ मैं। और मैं भी फिर स्नान वस्नान करके थोड़ा फ्रेश व्रेश होके ये दोबारा की चाय है मेरी पी रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी पीती हूँ, अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन बीच में तो बिल्कुल ही पीना छोड़ दी थी, एकदम एडिशन वगैरह लेके थी, तो अब लेकिन थोड़ा सा कभी मन करता है बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं बताइएगा ज़रूर, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं काम करते रहती हूँ भी तो टीवी चला लेती हूँ, और ये सब प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं सीरियल वगैरह से। तो सीरियल में एक अनुपमा देखती थी, वो भी आजकल बंद है मेरा, यही है। उसके बाद में फिर ये रात का खाने का है, तो घिया चने दाल की सब्जी बनी थी, और रोटी ग्रेवी वाली चाहिए मुझे थोड़ा सा रोटी के साथ, दाल वाल नहीं है, तो फिर दाल का भी काम कर दिया, सब्जी का भी। तो बोली कटोरी में डाल देती, बोली कटोरी से नहीं खा जाता है, आप प्लेट में ही डाल दीजिए, तो किसी तरह करके मैंने, अब मुझे लगता है कि भाई को खिला तो देंगे लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है अपने हाथ से ही जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँ, तो यही खा रही हूँ उसमें लपेट लपेट के। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का है ये दोपहर का खाने का, तो सब्जी बची हुई थी रात वाली घिया चने दाल वाली, तो हम लोगों को तो पता ही लेडीज लोग खा ही लेते हैं, तो मैं बोली गर्म गर्म चावल बना दीजिए, और फिर ये आलू परवल की सब्जी बनाई थी और गोभी की सब्जी है पत्ता गोभी की, तो मैंने कहा कि फिर दाल छोड़िए, दाल तो है ही इसमें घिया चने दाल वाली में, तो थोड़ा चावल बना लीजिए, तो चावल के साथ गरम गरम आह मज़ा आ गया। मज़ा आ गया गरम गरम। चलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आराम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबको वेलकम कर रही हूँ। और देखिए टाइम हो रहा है 11, नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सुबह फ्रूट वगैरह खा ली थी, जो मेडिसिन लेना था खाली पेट ले ली हूँ, अब नाश्ता हो रहा है, पतिदेव जी गए ऑफिस, बच्चे भी, और अब मैं, मेरे लिए नाश्ता तैयार हो रहा है किचन में, देखते हैं क्या नाश्ता आज मिलने वाला है, चलिए चलते हैं। और अभी मैं बेल्ट नहीं लगा रखी हूँ क्योंकि नहा के निकली हूँ, अभी उनके पास टाइम नहीं है, बेल्ट अकेले मुझसे लगेगा नहीं, वैसे ही हाथ पकड़ रखी हूँ मैं। बन गया? अच्छा, ये तो उपमा बन रहा है,
है ना। वाह खुशबू तो अच्छी आ रही है, चलिए ले आइए गरम गरम। फिर ये रात का है, रात में बोले थे क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैंने कहा कि मटर वाले चावल बना दीजिए, बहुत दिन हो गया मटर सोयाबीन डाल के, और बोली थी फूल गोभी वगैरह डाल देते, गोभी खा के ना बुरा हाल हो गया, अब मन नहीं करता गोभी खाने का, मैंने कहा खाली मटर सोयाबीन डालिए और बढ़िया से भून के और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देने से ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, तो ऐसे करके बनाए थे। एक तरह से बिरयानी ही बनती है, बस दम नहीं लगता है, कुकर वाली बिरयानी है। तो बहुत अच्छा बना था, टेस्टी यमी बना था, आप लोग भी बना सकते हैं। बस जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ा सा लहसुन खाते हैं तो लहसुन कुछ कुछ प्याज, और टमाटर नहीं डाली थी, आप लोग टमाटर भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। फिर मटर भून लीजिए, फिर सोयाबीन भून लीजिए, और फिर थोड़ी देर चावल को भी भून लीजिए साथ में। भुनने का ना, भुनने के बाद जब बनता है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है, और बेसिक मसाले ही हैं, और उसमें थोड़ा सा आप उसमें बिरयानी मसाला मिला दीजिए है आपके पास, तो बहुत अच्छा सा यम्मी सा हुआ था। और उसके बाद ये जो घर के हैं चिप्स, वो फ्राई कर लिए थे साथ में, और रायता बना लिया था, तो हो गया डिनर। बस यही है, सर्दियों में यही सब खाना थोड़ा होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, यम्मी सा गरम गरम। क्या ये देखो, ये क्या है भाई, ये किशमिश है कि आलू है क्या है? उस तरह के पेड़ में निकला है ना वो जो झाड़ा वाला पेड़ है, इसमें से इसको हटा रहे हैं तो ये ऐसा निकल रहा है, आलू आलू लगा हुआ है इसमें पूरा, ये देखिए। तो आज पेड़ पौधे की तैयारी हो रही है, फिर से पौधे लगा रहे हैं। देखिए क्या सब बन रहा है आज, मतलब तेल इतना कम क्यों है, सूख ले रहे थे थोड़ा। ये चटका ऐसे ही बनता है, कम कम तेल में। तो ये बनता है चना और लाल मसूर का, लाल मसूर चटका कहते हैं हम लोग, यहाँ क्या कहते हैं, कॉच चटका। इसको फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हैं, और ऐसे इधर चावल बन रहा है, चावल के साथ हम लोग इसको ग्रेवी बना के खाएंगे, बिहारी खाना सब खा, मुझे लगता है इधर और भी लोग भी खाते होंगे, तरीका थोड़ा अलग होता होगा। और इसको ऐसे ही खा लीजिए पकौड़े की तरह, बड़ा मस्त टेस्टी सा आता है एकदम अच्छा सा, चाय के साथ, चाय तो पी रही मैं। तो ये जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद ग्रेवी वगैरह हो जाएगा। तो और आज इनकी माता जी आई हैं, मेरी सासू माँ, अभी मिलवाऊंगी, और बाबूजी भी आए हैं साथ में, कल ही आए हैं, तो अभी थोड़ा सा वो अपनी माता जी से बात कर रही है, नानी से नानी से बात हो रहा है। तो आगे आप लोग को मिलाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में माँ बाप जी से, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रख।